हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी काफी बड़ा चैप्टर था हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली हमने स्टडी किया बाकी जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक थ्योरी की सीरीज़ आएगी जहां हम लाइन बाय लाइन क्लास थ्योरी का डिस्कशन करेंगे और हमारे अपडेट जो भी वीडियोस अपकमिंग आने वाली है चैप्टर आने वाले हैं टॉपिक आने वाली है ये सारी चीज़ें क्लास इंस्टाग्राम पर पहले ही मिल जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के लिए मोटिवेशन के लिए और क्लास आपके आगे के आने वाले जो भी डाउट्स हैं जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो भी क्लास आप मेरे को डीएम कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्लास इश्यू ऑफ़ Part one, अगर आप लोगों को इश्यू ऑफ आता है, है तो खत्म कर दू और आप अगर मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट करते रहेंगे कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे तो डेफिनेटली चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट चलो सबसे पहले हम समझते हैं ये डिबेंचर है क्या तो ये है बहुत सारे आम जनता ठीक है ये है आम जनता ये है बैंक्स ये है बैंक्स अब कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है क्लास फंड्स अब कंपनी को अगर फंड्स चाहिए तो ये फंड्स कंपनी कैसे अरेंज करेगी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के सर्वाइवल के लिए कंपनी में जितने एक्सपेंसेस होते हैं इनको बियर करने के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसा बैंक से ले सकते हैं क्लास लोन के रूप में कि भाई बैंक से लोन ले लें तो बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी तब जाके कहीं बैंक लोन देता है या इन्हीं जनता को कंपनी शेयर्स इशू कर दे बट शेयर इशू करने से एक प्रॉब्लम है कि अपनी मालिकाना हक इनको दे रहे हैं अपनी ओनरशिप इनको दे रहे हैं अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो ये जनता लोग मालिक बन जाएंगे और इनका जो ओनरशिप राइट है जो स्टेक है जो शेयर है वो कम हो जाएगा तो कल को शायद इनके पास उतना कंट्रोल ना बचे इनके पास एक और रास्ता है कि अपने पास रखे हुए रिजर्व्स का इस्तेमाल करें जो पैसा इन्होंने जोड़ा हुआ है आज तक इनका इस्तेमाल करें और अगर इन सारे ऑप्शंस कंपनी के लिए स्विटेबल नहीं हैं तो कंपनी के पास एक और रास्ता भी है कि ये कंपनी आम जनता को डिबेंचर्स इशू कर दे क्या इशू करे क्लास डिबेंचर जस्ट अ टाइप ऑफ लोन लोन में हमें अलग अलग इंसान के पास जाकर बातचीत करके लोन अग्रीमेंट साइन करके लोन लेना पड़ेगा डिबेंचर एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स जैसा ही है लेकिन शेयर नहीं है डिबेंचर जहां जहाँ हर साल हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट पे करेंगे तो कंपनी पब्लिक को डिबेंचर देती है कोई सौ रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है कोई दो सौ कोई दो सौ करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है कोई एक करोड़ कोई पाँच लाख कोई दो लाख कोई तीन सौ रुपये तो जिसको जितना भी पैसा कंपनी में देना है लगाना है कंपनी को दे दो और कंपनी से क्या ले लो डिबेंचर्स दिस इज़ कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ना कोई गिरवी रखने की झंझट ना कुछ सीधा पब्लिक से हमें पैसा मिल गया अब हमने जिससे जितना भी ब्याज लिया है हम उससे उतने परसेंट का ब्याज हर साल देते चले जाएंगे और चार साल पांच साल दस साल जैसे हमारे बीच बात हुई है हम ये पैसा उनको लौटा देंगे दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर जब पैसा लौटा देती है दैट इज कॉल्ड रिडम्पन ऑफ़ डिबेंचर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है हमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ना है यानी किस तरीके से कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करेगी उस समय तो क्या अकाउंटिंग कंपनी करेगी और कंपनी के पास पैसा आएगा आपको पता ही है फिनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस जितना पैसा बिजनेस के पास रहेगा उतना ही बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगी तरक्की कर पाएगी अब जब भी आप कभी डिबेंचर देखोगे तो उसके सामने एक परसेंटेज लगा होगा राइट तो अगर 9% परसेंट डिबेंचर्स है इसको बोलते हैं कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट हर साल आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं लाइक like, कंपनी ने अगर 500 करोड़ का इंटर डिबेंचर इशू किया है तो 500 करोड़ का 9% ब्याज हर साल कंपनी को देना पड़ेगा किसको जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया है दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर यहाँ पे ये आम जनता कौन बन जाती है क्लास डिबेंचर होल्डर अच्छी बात यह रहती है अगर मैं आम जनता के साइड में आके देखूं तो अच्छी बात यह है कि आम जनता को ब्याज मिल जाता है तो अच्छा खासा ब्याज इनको मिल जाता है तो ये सेफ़ है कि भैया हमें इतना ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे कंपनी रहे ना रहे भैया हमें ब्याज मिलेगा कंपनी कल को डूब जाएगी भी तो सबसे पहले हमारी पेमेंट करेगी शेयर होल्डर से पहले डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट की जाती है क्योंकि ये क्लास एक लोन की तरह इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ लोन आमतौर पर डिबेंचर लंबे समय के लिए इशू किया जाता है कि हम जनता से बोल रहे हैं कि आप हमें उधार दो हम आपको पाँच साल दस साल में पैसा लौटा देंगे तो इससे क्या होता है क्लास पब्लिक को भी ब्याज मिल जाता है कंपनी को भी क्लास एक बड़ी रकम मिल जाती है और ब्याज कंपनी भरती रहती है और कंपनी को क्लास किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं रहता कि हम मालिक हमारा जो कंट्रोल है वो कम हो गया शेयर्स में कंट्रोल कम हो जाता है भाई मुझे पैसा चाहिए या तो अपने दोस्त को पार्टनर बना लूँ या मैं अपने दोस्त से उधार ले लूँ अगर मैं उधार लूँगा तो मुझे उसे हर साल ब्याज देना पड़ेगा लेकिन मालिक मैं ही रहूँगा उसे मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वो टांग नहीं अड़ाएगा मेरे बिजनेस में समझ रहे हो बात को मैं बोलूँगा भाई तेरा ब्याज तेरे को मिल जाएगा तो साइड रहे लेकिन अगर उसे पार्टनर बना दिया फिर तो वो आधा मालिक हो गया फिर तो जो बोलेगा मानना पड़ेगा राइट मेरे हर डिसीजन में वो टांग अड़ा सकता है तो इस तरीके से अपने फ़ायदे घाटे हैं सो डिेंचर्स के भी और शेयर्स के भी बट फिलहाल हम डिवेंचर की बात कर रहे हैं तो ये है डिवेंचर्स की बात राइट चलो आओ ज़रा समझते हैं तो ये इन्वेस्टर्स है इनको डिवेंचर होल्डर और ये इशूअर्स है यानी कि कंपनी इशू करती है बैंक के थ्रू भी इशू कर सकती है कैसे भी इशू कर सकती है तो कंपनी क्लास इनको डिवेंचर देती है इनसे पैसे ले लेती है दिस इज कॉल्ड क्लास इशू ऑफ डिवेंचर्स सो डिवेंचर क्या है एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है इश्यू बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग यानी कि बेरिंग फिक्स रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कंपनी कहती है ठीक है हमसे ये पेपर ले लो ये डिबेंचर है हमने इस पेपर में लिख के दिया है कि हमने आपसे इतना उधार लिया है हम एक्नॉलेज करते हैं मानते हैं और हम आपको हर साल इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे और इतने साल बाद तुम्हारा पैसा भी तुमको लौटा देंगे तो ये क्लास एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है एक डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है जो स्वीकार करता है कंपनी कि हाँ हमने तुमसे उधार लिया है इस इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आमतौर पर डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है ऐसा नहीं है कि डिबेंचर शॉर्ट टर्म में इशू नहीं किया जा सकता बट जनरली क्लास नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में डिबेंचर लॉन्ग टर्म ही इशू किए जाते हैं लंबे समय के लिए और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा पार्टनरशिप में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो ब्याज दिया जाता है जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो देना ही देना है भले ही मुनाफा हो ना हो कम हो ज़्यादा हो आपको डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट हर साल देना ही पड़ेगा वो आपकी कंपनी तक को बंद करवा सकते हैं अगर आप उनका हिस्सा उनको नहीं देते तो ये चार्ज है और इसे बोलते हैं है, है, लोग है? जिन लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती ये लोग वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये मालिक थोड़ी है तो उधार दिया हुआ है और डिबेंचर्स क्लास तीन शर्तों पर इशू हो सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट याद करो इशू ऑफ शेयर्स शेयर सिर्फ पार या, पर होता है, लेकिन पर भी इशू हो सकता है सौ इज़ कॉल्ड इशू एट पार ये सौ का है मैंने मुझे is का है, मुझे लो मुझे नब्बे ही दे दो बहुत है दिस इज कॉल्ड इशू एट डिस्काउंट बोलूंगा सौ का है मुझे एक चाहिए दिस इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम तो डिबेंचर्स को पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों ही कंडीशन में इशू किया जा सकता है राइट right? तो आई नो क्लास एक बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी कि डिवेंचर क्या है किस तरीके से क्लास रूल्स है इश्यू करने के अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इश्यू ऑफ शेयर्स को आराम से देखो फिर डिबेंचर्स को दोनों चैप्टर मिलाकर लगभग 24 नंबर तक का वेटेज है सिर्फ दो चैप्टर का तो अगर कोई जी जान लगा के दो चैप्टर पढ़ ले बस शेयर और डिबेंचर और आप सबको बता दूं एक क्वेश्चन ऐसा है हमारे सिलेबस में जो बोनस क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें आज ही लिख के दे सकता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम उठा के करके आ जाओ गारंटी तीन नंबर का सबको पता है क्लास ये वो किस चैप्टर से है क्या है राइट तीन नंबर वो चौबीस नंबर ये इतने में तुम्हारा पूरा का पूरा पास की गारंटी ये मत बोलना कि सर बस हम पास होने के लिए थोड़ी बैठे हैं तो मैं कौन सा कह रहा हूँ सिर्फ पास हो जाओ इतनी मेहनत करता मैं पास होने के लिए पास होने के लिए, होने के लिए तो मैंने तुम्हें काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाई थी थर्टी डेज स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता आपने फॉलो किया कि नहीं किया लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लेता आया हूँ उसका अगर आप उन तीन चैप्टर्स को फॉलो कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे मुझे पास मुझे तुम्हें दिखाना है कि पास होना कितना आसान है कितना सिंपल है दो चैप्टर लगा दो तो पंद्रह दिन कुछ नहीं करेंगे पंद्रह दिन बस ये दो चैप्टर जी जान लगा करेंगे एक एक क्वेश्चन जो सुनील सर ने बनाया है जो क्वेश्चन दिया है बस वही करेंगे इनफ कहीं नहीं गए तुम्हारे चौबीस नंबर एक एक कॉन्सेप्ट कवर कराता हूँ यहाँ पे क्लास छोटी वीडियोज़ बना के हाइप क्रिएट करके आपको ऐसा नहीं करना कुछ भी यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ज़ीरो टू एंड सब कुछ होगा ओके चलो तो इश्यू ऑफ शेयर अगर आपने पढ़ा हो तो जहां-जहां इश्यू ऑफ शेयर में आपने शेयर्स पढ़ा था वहां पे अब आप डिबेंचर्स लिख दोगे जहां पे पहले आप शेयर लिखते थे वहां पे अब शेयर्स की जगह आप क्या लिख दोगे डिबेंचर्स जहां भी आपने जहाँ जहाँ पे अभी मैं एंट्री बताऊंगा आपको आपको ऑब्वियसली इस सब शेयर की एंट्री याद होंगी मैं यहाँ फिर से लिखाऊंगा अभी शुरू से जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए राइट लेकिन अगर आपने देखा हो जहाँ पहले शेयर था वहाँ डिवेंचर और जहाँ पहले शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ परसेंटेज डिबेंचर चाहे नाइन परसेंट डिबेंचर हो सेवन परसेंट डिबेंचर हो जो भी और आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था फेस वैल्यू से तो इस हिसाब से परसेंटेज डिबेंचर भी हमेशा क्रेडिट होगा फ़ेस वैल्यू से अब फेस वैल्यू किसे कहते हैं एक डिबेंचर की जो वैल्यू है मान लो हंड्रेड रुपीज़ है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू एक डिबेंचर की जो वैल्यू होती है दिस इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर की फेस वैल्यू है सौ रुपये ठीक है चलो अब डिबेंचर्स को अगर मैं इशू करने की बात करूं तो डिबेंचर्स को इशू करने के हमारे पास तीन कंडीशन है पार प्रीमियम डिस्काउंट मैं तीनों के बारे में बात करूंगा लेकिन उससे पहले बेसिक एंट्रीज हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स को इशू करने की ठीक है मान लेते हैं क्लास एक कंपनी है जो हजार नाइन परसेंट डिबेंचर इशू करती है कितने हजार नाइन परसेंट डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एक डिबेंचर सौ का है ठीक है एक डिबेंचर सौ का है और कंपनी कहती है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो हम लेंगे तीस रुपये और जब डिबेंचर्स हम आपको अलॉट करेंगे तो हम लेंगे आपसे पचास रुपये और जब आपसे फ़र्स्ट कॉल मंगवाया जाएगा तब हम लेंगे आपसे बीस रुपये तो कंपनी सौ रुपये हमसे लेगी लेकिन इकट्ठा नहीं लेगी किस्तों में लेगी अब मैं तुम्हें तो थोड़ा सा बताऊं जब हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे चलेंगे पार्ट नंबर थ्री फोर पे की तरफ चलेंगे तब हम ये जानेंगे कि यार कंपनी को उधार लेना है तो कंपनी एक साथ ही तो लेगी तोड़ तोड़ के थोड़ी उधार लेगी कि भाई थोड़ा अभी दे दो थोड़ा अभी दे दो नहीं बट हाँ बुक के शुरू में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसकी वजह से मुझे तुम्हें कराना पड़ रहा है तो शेयर्स की तरह बस यहाँ शेयर की जगह लग गया डिबेंचर्स डिबेंचर नाइन परसेंट बात करता है इंटरेस्ट की तुम्हें इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है बस ये नाम है नाइन परसेंट डिबेंचर टेन परसेंट डिबेंचर एट परसेंट डिबेंचर इलेवन परसेंट डिवेंचर तो कंपनी ने हजार डिबेंचर इशू किया है सौ का एक और क्लास सारा का सारा पैसा भी पब्लिक से ले लिया तो इसमें हर इंस्टॉलमेंट की दो जर्नल एंट्री होती है दो जर्नल एंट्री शेयर में पढ़ा था सेम टू सेम वही दो जर्नल एंट्री तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी आप पहले क्या करते थे एप्लीकेशन की एंट्री? आप सबको याद होगा पहले क्या करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर की जगह क्या लगा देना है शेयर की जगह क्या लगा देना है डिबेंचर्स। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने समझाया था ना कि जहां शेयर आता है वहां डिबेंचर कर देना जहां शेयर कैपिटल आता है वहां परसेंटेज डिबेंचर कर देना तो एंट्री की बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने डिबेंचर हैं हजार एप्लीकेशन मनी है तीस की तो हजार इंटू तीस कितना हो गया तीस हजार तीस हजार बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट

तो पहले तुम करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब तुम क्या करोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू नाइन परसेंट डिबेंचर कितने डिबेंचर हैं हजार अलॉटमेंट है पचास का तो कितना आएगा पचास हजार पचास हजार तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेड डिबेंचर और जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर की जगह डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट है क्लास पचास हजार पचास हजार ये होगी अलॉटमेंट की एंट्री दो एंट्री एप्लीकेशन की और दो एंट्री अलॉटमेंट की अब फर्स्ट कॉल बीस की है दो एंट्री फर्स्ट कॉल की करेंगे तो एंट्री क्या करोगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट कितना है क्लास हजार डिबेंचर बीस का एक बीस हजार डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर और जब पैसा मिलेगा आप तो एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना अमाउंट है बीस हजार बीस हजार इस तरीके से क्लास आप देखोगे तो छ जर्नल एंट्रीज आपको करनी है इस तरीके से ठीक है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन परसेंट डिवेंचर डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिवेंचर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंट डिवेंचर बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल ये छह जर्नल एंट्री

आप खाली उसे एप्लीकेशन कह दो बात बराबर है तो आमतौर पर डिबेंचर को एक ही किस्तों में लिया जाता है पैसा अलग इतने किस्तों में नहीं लिया आता बट कुछ क्वेश्चंस में है तो बस हमने उसकी प्रैक्टिस करी है दैट्स इट और कुछ नहीं चलो तो अब कंडीशन की बात करते हैं डिबेंचर्स को इशू कैसे किया जा सकता है आ जाओ जरा देखते हैं तो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट तो अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू हंड्रेड है और डिबेंचर इशू भी हंड्रेड में किया गया है तो डिबेंचर को किस पर इशू किया गया है पार पे और अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू हंड्रेड है उसको इशू किया है एक सौ दस में तो डिबेंचर को इशू किस पे किया गया है क्लास एट प्रीमियम ये सौ है फेस वैल्यू ये दस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ये वन हंड्रेड टेन है इशूइंग प्राइस और अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू है हंड्रेड और उसको इशू किया है 90 में तो डिबेंचर्स को इशू किस पर किया गया है क्लास डिस्काउंट पर तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम और डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ये बात सब सबको समझ आ गई अब ये भी आपको क्लियर होगा कि दस रुपये क्या है क्लास डिस्काउंट है सौ रुपये क्या है फेस वैल्यू ओके अब इनकी जनरल एंट्री क्या होगी मैं छोटा सा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लूँगा एंट्रीज को समझाने के लिए कि मान लो एक ही डिबेंचर है और सौ का एक है और सारा सारा पैसा एक ही किस्त पे आ रहा है एक ही इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है वो है एप्लीकेशन खत्म सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में कोई अलॉटमेंट नहीं है कोई फर्स्ट कॉल नहीं है सारा का सारा पैसा क्लियर एप्लीकेशन पे आ रहा है हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है ओके okay? तो एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी आप क्या करोगे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सौ सौ और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू मान लेते हैं नाइन परसेंट डिबेंचर है ठीक है टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट सौ सौ ओके okay, ये हो गई क्लास दो एंट्री अगर डिबेंचर पार पर इशू किया जा रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर हंड्रेड 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 क्लियर है क्लास सबको एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक टू डिचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिवेंचर अब हम करते हैं क्लास यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट है तुम्हें मेरे नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में एक ही इंस्टॉलमेंट में आएगा अच्छा जिस बच्चे ने इसका नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा होगा तो वहाँ एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देगा या लिख देगी बस और कुछ नहीं अब बात करते हैं इसकी अगर प्रीमियम है तो एक ही डिबेंचर है तो बैंक में कितना आएगा एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एक सौ ओके अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ठीक है 2 परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर तो डिबेंचर एप्लीकेशन में 110 परसेंटेज डिबेंचर में 100 प्रीमियम है दस रुपए का तो so, आप एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर आप ये एंट्री पास करोगे जब आप क्लास प्रीमियम की एंट्री पास करोगे अब अगर मैं इसी आप देख रहे हो अब इस एंट्री को देखो इस एंट्री को देखो जो शेयर्स में पढ़ा था ना सेम वही है बेटा अलग कुछ भी नहीं है पहले यही सारी एंट्री थी बस जहाँ डिवेंचर है वहाँ शेयर जहाँ पर्सन डिवेंचर वहाँ शेयर कैपिटल यहाँ पे पहले भी एसपीआर था अभी भी एसपीआर एसपीआर क्रेडिट होता है ड्यू की एंट्री में ये एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में आपने एसपीआर क्रेडिट किया दस रुपए से लेकिन शेयर्स में डिस्काउंट था नहीं लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है तो आप जब इशू करोगे तो पहले एंट्री क्या करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट आप ना मैं तीनों एक साथ क्यों लिखवा रहा हूँ सो so दैट आप कंपैरिजन कर सको कि सारी एंट्री सेम है बस प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट में अभी देखना तुम डिस्काउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट नब्बे रुपए आएगा क्लास एक ही डिबेंचर है और अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट दस रुपए टू परसेंटेज डिबेंच सौ रुपए तो डिस्काउंट को डेबिट किया प्रीमियम को क्रेडिट किया इट और कुछ नहीं आप डिस्काउंट को डेबिट करते हो और प्रीमियम को क्रेडिट दैट्स इट और कुछ भी नहीं तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा बेसिक जर्नल एंट्री या एप्लीकेशन अलॉटमेंट एप्लीकेशन की आ, पार की प्रीमियम की डिस्काउंट की एंट्री लिख लो तुम सबसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास देखने से पहले एक एक करके सारी एंट्री को मल्टीपल टाइम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि जुबान में डिस्काउंट डेबिट खत्म यही लिखा है पूरे उसमें यही किया हुआ है पूरे के अंदर ठीक है तो उम्मीद है क्लास कि आप इसको अच्छे से देखोगे समझोगे और इसको करोगे चलो अब हमने सारी की सारी एंट्री कर ली उम्मीद है अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम इसको करेंगे लेकिन इससे पहले मैं कुछ नोट लिखवाऊंगा जो आप लिखोगे नोट if question is silent if question is silent we assume जब क्वेश्चन साइलेंट होगा वी एज्यूम डिस्काउंट और प्रीमियम हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में करेंगे ठीक है डिस्काउंट और प्रीमियम जो भी है हम अलॉटमेंट की डू की एंट्री में करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम ऐसा मानेंगे कि जो भी डिस्काउंट है जो भी प्रीमियम है वो हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में बात आ रही है क्लास समझ सबको चलो डन हो गया अब आगे देखते हैं अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम इसको देखते हैं एक्स लिमिटेड ऑन फर्स्ट ऑफ मे 2022 हज़ार बाईस इशूड फिफ्टी परसेंट नाइन परसेंट डिबेंचर इस परसेंटेज का तुम्हें अभी कुछ नहीं करना जब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक उसकी कैलकुलेशन तब क्वेश्चन मांगेगा अगर तो एंट्री करेंगे अदरवाइज आपको कुछ इससे टेंशन नहीं है सौ का एक है पेबल ट्वेंटी रुपीज़ एप्लीकेशन कंपनी ने इशू किया है पचास हज़ार शेयर्स सॉरी इतने दिन शेयर्स पढ़ाए ना तो जुबान में शेयर शेयर्स आ रहा है कंपनी इशू किया पचास हज़ार डिबेंचर एक की कीमत जो है वो सौ का एक है ऐट द रेट हंड्रेड इच एप्लीकेशन है जब एप्लीकेशन मनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बीस रुपए बैलेंस ऑन अलाटमेंट तो भाई मुझे बताओ बचा कितना बैलेंस अस्सी बचा है तो टोटल हो गया सौ दो इंस्टॉलमेंट है राइट एप्लीकेशन रिसीव फॉर द इशू डिचर एंड अलाटमेंट ऑज मेड टू दल एप्लीकेट्स द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स पास द एंट्रीज दूफ़ डिबेंचर आपको इशू ऑफ डिचर की एंट्री पास करनी है तो आप एंट्री पास करो पहली एंट्री एप्लीकेशन की आप क्या पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पचास हज़ार डिबेंचर बीस का एक तो पचास हज़ार इंटू दस पाँच लाख इंटू बीस दस लाख तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना छोटी छोटी चीजों के लिए पेन उठाकर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और यकीन मानो कहीं पे 10 सेकंड कहीं पे एक मिनट कहीं पे 30 सेकंड कहीं 40 सेकंड कहीं 20 सेकंड तुम्हारा ऐसे पेपर में लगभग सात आठ मिनट बच जाएंगे पूरे अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो यानी तुम पूरा पेपर आराम से कर सकते हो बिना हड़बड़ाहट के ठीक है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट टेन लाख टेन लाख। अब अलॉटमेंट की आप एंट्री पास करोगे तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करते हो आप लोग डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट होता तो यहां पे डिस्काउंट को डेबिट प्रीमियम को क्रेडिट करते डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर्स कितने हैं पचास हजार डिबेंचर्स हैं और अलॉटमेंट कितने का है अस्सी का है ठीक है तो आठ पंच चालीस दो दो चार ये कितना क्लास हो गया आपका फोर्टी लैख फोर्टी लैख और पैसा जब मिलेगा तो आप एंट्री पास करोगे और नरेशन और हां जितनी भी जर्नल एंट्री आप कर रहे हो ना फॉर्मेट के अंदर शेयर में ही बता के आ चुका हूं बार बार बताने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट के अंदर ही करने जर्नल जब भी होगा फॉर्मेट में टू डिचर अलॉटमेंट अकाउंट फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स तो आप एंट्री अगर आप देखो अगर आप एंट्री को देखो बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू पर्सन डिवेंचर अकाउंट अलॉटमेंट ड्यू बींग अलॉटमेंट मनी रिसीव फर्स्ट कॉल होता बींग फर्स्ट कॉल ड्यू बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ये बेसिक एंट्री तो आज हमने डिबेंचर्स की बेसिक एंट्रीज़ को देखा अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे प्रीमियम भी होगा जहाँ पर डिस्काउंट भी होगा और क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन की बात भी करेंगे लाइक कंपनी ने अगर दस हज़ार डिवेंचर इशू किया एप्लीकेशन अगर बारह की आ जाती है तेरह की आ जाती है तो क्या होगा ये सभी अगली क्लास में देखेंगे उम्मीद है क्लास कि आज जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा और अगली क्लास में किसी भी कीमत पे जितनी भी जर्नल एंट्री मैंने लिखवाई है आप इसे अच्छे से लर्न करके पढ़ के बेसिक समझ के आओगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको आई कंटिन्यू करेंगे इन अ वीक इसे खत्म कर देंगे और आपके छ नंबर मिनिमम मिनिमम छः नंबर बोल रहा हूँ क्लास से ज़्यादा भी चैप्टर बन सकता है इस पेपर में ठीक है ये आपके फिक्स हो जाएंगे ये दोनों बुक से मतलब ये दोनों चैप्टर मिलाकर 24 नंबर है मुझे तुम्हें से सब बच्चे को दिलाने हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्री बोर्ड के लिए हो चाहे बोर्ड के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बाकी यहाँ पे ईको और बी का प्ले भी अटैच कर दिया आप ईको बी मेरे साथ साथ जाकर चेक कर सकते हो पूरा ए टू जेड सिलेबस कम्प्लीट डिटेल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय